नमस्कार। तो बस एक क्विकली मैं बताना चाहता था क्योंकि अब समय आ गया है खासकर 2021 बैच के लोगों को, और वो लोग खासकर जो कि राउंड वन देख चुके हैं, इंडिया का गवर्नमेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का कोई चांस नहीं है, मार्क्स 200 300 के बीच में है, शायद अच्छा प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है वो बहुत महंगे मिल रहे हैं। तो मैं हमेशा कहता हूँ इंडिया के बाद जो सेकेंड बेस्ट कंट्री है जो कि मिनी इंडिया ही है, नेपाल, उसका 2021 बैच की एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट हुए हैं। नेपाल में जनवरी में बैच स्टार्ट हो रहा है बिकॉज ऑफ कोविड, जैन फैब समझ लीजिए अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं। तो आपके लिए मौका है, हम एज ए जीके बस हेल्प करते हैं आपको नेपाल में एडमिशन कराने की। बहुत शानदार कॉलेजेस है, मणिपाल के भी ब्रांच है, काठमांडू के पास काठमांडू मेडिकल कॉलेज है, UCMS है, ऑफकोर्स नेपाल में भी टोटल 15 कॉलेज हैं, लेकिन 5 से 6 हैं जो कि अच्छे शानदार कॉलेज हैं। नेपाल में दो तरीके से एडमिशन होता है, नेपाल ने अपने एक एंट्रेंस टेस्ट भी लिया है, नेपाल नीट स्कोर के बेसिस पर एडमिशन दे रहा है। देखिए, जो लोग नीट क्वालिफाई नहीं थे उनको मेडिकल टेस्ट नेपाल का लेना जरूरी था, जो कि खत्म हो चुका है लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की, तो लेकिन उनके लिए मौका था जो नीट क्वालिफाई नहीं थे इंडिया में, और वो नेपाल का टेस्ट लेके कर सकते, लेकिन फायदा तो होता नहीं, क्योंकि नेपाल तो आपको सीट दे देता, जब नीट क्वालिफाई नहीं हो तो इंडिया में आके दिक्कत हो जाती। नेपाल में साल एक और रूल आ गया कि जो क्वालिफाई भी अगर हो आप, तो आपको वो जनरल कैटेगरी वाला क्वालिफाई होना चाहिए, मतलब 138 मार्क्स वाला। तो आप हमेशा समझिए कि एक रूल है जो इंडियन गवर्नमेंट के हैं और एक रूल है जो उन नेशंस के होते हैं। तो फॉर दैट मैटर पाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया का ऐसा कोई रूल नहीं है, फिलीपींस का हमें पता वो एनमैट वाला रूल है, इस तरह हर कंट्री का रूल है। तो नेपाल अब ये कह रहा है कि मैं या तो मेरा टेस्ट पास कर लो तो मेरे पास आ जाओ इंडिया, क्योंकि वहाँ इंडियन बच्चे बहुत जाते हैं, तो इंडिया के लिए स्पेशल रूल बना दिया। जो 2021 में नीट क्वालिफाई हुआ है, 2019-20 से क्वालिफाई को वो नहीं मान रहे हैं, ये सब कंट्रीज मानते हैं। इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि 3 साल तक वैलिड है हमारा नीट स्कोर MBBS अब्रॉड के लिए, नेपाल ने बोला है हमें 2021 का सिर्फ पास आउट चाहिए, वो भी जनरल कैटेगरी, मतलब 138 मार्क्स वाला पास आउट चाहिए। अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हैं, 120 मार्क्स है, तो आप इंडिया में तो नीट क्वालिफाइड हैं, नेपाल नहीं जा सकते। नेपाल को चाहिए 2021 का 138 मार्क्स से ऊपर का बच्चा। वो इस बात के लिए भी तैयार थे कि अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं है तो हमारा पेपर ले लो, लेकिन जब हम नीट क्वालिफाई नहीं है तो फिर जाके क्या करेंगे। हाँ, लेकिन अगर आप 108 से 138 के बीच में थे, तो आप इंडिया में नीट क्वालिफाई हो कैटेगरी वाले, लेकिन नेपाल आपको नहीं मान रहा क्योंकि नेपाल ने रूल नया बना दिया, तो आप नेपाल का पेपर देकर भी नेपाल के लिए एलिजिबल हो सकते थे। उन बच्चों के अलावा जो नॉर्मल नीट क्वालिफाइड हैं, मैं पर्सनली हमेशा कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं कि सर तेरा कंट्री में लिस्ट बनो, नेपाल इज ऑलवेज नंबर वन, इट्स मिनी इंडिया। पहले जो 6-7 कॉलेज हैं दे आर सुपर, ऑफ कोर्स अब नया NMC का जो ग्रेजुएट आ गया तो आपको वहाँ भी इंटर्नशिप करनी है, यहाँ भी करनी है। सो इंडिया में जॉब का काम 5.5 साल में हो जाएगा, वो 6.5 साल में होगा, 4.5 साल जब 1 साल की इंटर्नशिप वहाँ, 1 साल की फिर इंडिया में। लेकिन आपको 55 से 60 लाख बजट में, इंक्लूडिंग हॉस्टल एंड एवरीथिंग, एक बहुत अच्छी एजुकेशन मिल जाती है, और एक बड़े साफ एनवायरनमेंट में, क्योंकि तो इंडिया में आपको हम जानते ही हैं कि 75-80 खर्च करके भी उतना अच्छा नहीं हो रहा है। वो लोग जो 60 तक का बजट है, टॉप क्लास कॉलेज देख रहे हैं, वो तुरंत जीके वर्ष को संपर्क कर सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर आप सभी को मालूम है, 9643362320। MBBS नेपाल के लिए हमारी काउंसलिंग प्रोसेस का कोई चार्जेस नहीं होता, तुरंत हमें बताएं, और इसी में एडमिशन ओपन है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, जितनी जल्दी अप्लाई करेंगे उतनी जल्दी हमें सीट मिल जाएगी। धन्यवाद।